हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्रेवो गेमर। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से GTA 5। सो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक शोरूम खरीदा था जिसके लिए हमारे को सुपर कार की ज़रूरत थी। वो सुपर कार खरीदने के लिए हम लोग एक शोरूम गए थे जिधर से कार मैनुफैक्चर होती हैं। उधर से गाइस हम लोगों ने चार फ्लोर सुपर कार खरीद ली थी उधर से गाइस हम लोगों ने चार सुपर कार खरीद ली थी जो $7 मिलियन की आई थी। और फिर हम लोगों ने वो कार दे के सीधा फ्रैंकलिन को दे के हम लोग घर आ गए थे। अब गाइस यार मेरे को जल्दी से यहाँ से उठना है और हमारे को अपने शोरूम में जाना। देखते हैं फ्रैंकलिन ने हमारा ये काम कर दिया या नहीं, क्योंकि वो भी हमारा पार्टनर है। इसलिए गाइस यार जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। और गाइस एक बार आपको मैं बताना ही भूल गया कि हमारे के पास जो एक फरारी थी ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से हम लोग उस गाड़ी को अपने शोरूम की जो वर्कशॉप है उसके ऊपर छोड़ के आ गए थे ताकि वो उसको रिपेयर अच्छी से कर दे। इसलिए गाइस यार आप जल्दी से यहाँ से निकलते हैं अपनी ओडी गाड़ी लेकर यहाँ से। इधर पार्क की हुई है मैंने, ठीक है भाई बाइक की इधर निकलते हैं। शुक्र है गाइस यार काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि पुलिस ने हमारे मतलब पीछे नहीं पड़ी हुई, नहीं तो पहले गाइस यार वो हमारे इतना पीछे पड़ गई थी कि आप लोगों को क्या बताऊं। हर वक्त हमारे पीछे ही रहती थी, हमारे घर के ऊपर उन लोगों ने छापे मारने शुरू कर दिए थे। इसलिए गाइस यार उन लोगों ने हमारे साथ डील की थी कि हर हफ्ते तुम्हारे को पुलिस स्टेशन आना है और उधर से आके गाइस यार हमारा अबे भाई क्या गंदी सी गाड़ी लगा रखी है मैंने, इसका गाइस यार मॉडिफाई भी नहीं की। इसलिए गाइस यार उन लोगों ने मेरे को बोला था कि हर हफ्ते हमारे को उनके मतलब ऑफिस में जाना है पुलिस स्टेशन पर, जिधर से हमारे को जाकर उनके हाज़िरी वगैरह लगानी है। और गाइस उन लोगों ने हमारे से कुछ इलीगल काम भी करवाए थे। अब काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके ना हम लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना वो हमारे पास आए हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो हमारे पीछे नहीं आ रहे। तो गाइस यार जल्दी से यहाँ से निकलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास। फाइनली तो गाइस यार हम लोग सीधा अपने शोरूम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने हमारी गाड़ी अंदर खड़ी की है या नहीं। और देख रहे हो भाई साहब कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है। अरे इसकी भैंस की टांग, देख रहे हो भाई बाहर खड़ा मोबाइल चला रहा है और जितनी भी हमारी सुपर कार बाहर ही खड़ी कर रखी हैं। और देख लो इधर सारे मतलब सेल्फी लेने आए पड़े हैं। हम लोगों ने मतलब पहले लगा रखा था, हम लोगों ने ऐड लगा दिया था कि हम लोग इधर अपनी गाड़ियां लेके आने लगे हैं। तो गाइस देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ आ रखी है, इधर सेल्फी ऐसी ले जा रही है भाई, पागल तो नहीं हो गए गाइस यार बाहर खड़ी हैं सुपर कार। जल्दी से इससे बात करके पूछता हूँ अभी तक इसने हमारी गाड़ियाँ क्यों नहीं अंदर खड़ी की। फाइनली तो गाइस यार इससे मेरी बात हो चुकी है, इसने मेरे को बोला कि अभी अभी हम लोगों ने इधर गाड़ियाँ उतारी हैं, थोड़ी देर बैठकर मैं सांस ले रहा था, तुम तो मेरे ऊपर गुस्सा ही होने लगे। अरे भाई कोई बात नहीं मैं खुद ही अंदर कर लेता हूँ गाइस यार, ये मतलब नाराज़ ही ना हो जाए ना, इतना पैसा इसने हमारे को दिया, हम लोग खुद ही गाइस अंदर खड़ी कर लेंगे गाड़ियाँ अपनी। ये गाइस हमारी, अबे दूसरी निकालना भाई, पहले दूसरी निकालनी है, दूसरी गाड़ी गाइस पहले अंदर खड़ी करते हैं। भाई फ्रैंकलिन तो अभी खड़ा, हमारी गाड़ियाँ कोई भी नहीं अभी तक चोरी कर सकता। और ये गार्ड भी हमारे शोरूम का ही है। जल्दी से गाइस ये वाली गाड़ी पहले अंदर खड़ी करते हैं, FXXK गाइस फरारी का नाम है, अंदर लेके चलते हैं सीधी गाड़ी। इधर अपनी भी मेरे को गाड़ी देखनी है, मेरी अंदर गाड़ी खड़ी है अभी या नहीं, हम लोगों ने फरारी दे रही थी अंदर खड़ी करने के लिए। जल्दी से लेके चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। अभी ये गाइस ये वाली जगह पर हमारे को ये वाली गाड़ी खड़ी करनी है, देखते हैं गाइस कितने ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आते हैं ये गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए। जल्दी से अब दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। और मतलब पूरा घचा घच भरा पड़ा हमारा शोरूम, हर तरफ भी रौनक रौनक लगी पड़ी है। अबे खुल जाना बे, इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा भाई, थोड़ी देर बाद खुलना पड़ता है इसको भी। पहले अंदर चल, पहले भाई फरारियाँ सारी जितनी हम लोग सुपर कार लाए हैं ना उनको अंदर खड़ी कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सीधा अंदर। ये वाली गाड़ी गाइस बहुत तेज़ी से भागती है, मतलब आपको क्या बताऊँ, 2 मिनट में ये 200 क्रॉस कर जाती है गाइस, 2 सेकंड में इसकी स्पीड 200 क्रॉस कर जाती है, इतनी प्यारी ये गाड़ी है। अरे तेरी बस लग मत जाइयो, ये वाली गाड़ी इधर खड़ी करते हैं। अरे ये पहली तस्वीरें खींचने लग गया, अभी तो मैं आया भी ना। ये गाइस इसको इस तरफ खड़ी कर देते हैं। अब 2 गाड़ियां बाहर रह चुकी हैं, जल्दी से उन्हें भी लाते हैं अंदर की तरफ और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर गाइस यार हम लोग देखेंगे कोई कस्टमर आता है या नहीं हमारी गाड़ियों को लेने के लिए। 2 गाड़ियां रह चुकी हैं, जल्दी से बाहर निकलता हूँ। अरे ये वाली लैम्बोर्गिनी है गाइस, पता नहीं कौन सा मॉडल है, ये तो नहीं मेरे को पता अभी तक। गाइस सामने वाला गेट खुल चुका है,
और हर तरफ यार ये मैंने गाइस आप लोगों को बताया था कि अबे इतना मसला नहीं गाइस हुआ, मतलब हल्की सी स्क्रैच ही आया इसके ऊपर। ओके तो गाइस यार हम लोगों ने मतलब एक गाड़ी हमारी बाहर रह चुकी है जिसे हम लोग जल्दी से अंदर लाते हैं और अब यहाँ से फिर निकलते हैं। देखते हैं शोरूम हमारा, मतलब भाई साहब गचा गच भर रखा है, सभी लोग सेल्फियाँ खींच रहे हैं भाई, सभी लोगों के गाइस यार मतलब सभी लोगों की दिहाड़ी लगने वाली है इधर। देखते हैं हमारे को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें से। जल्दी से बाहर निकलता हूँ, पहले अपनी फरारी देख लेता हूँ, वो लोग हमारी फरारी मतलब ठीक करने भी लगे हैं या ऐसे ही बैठे पड़े हैं अंदर, इन लोगों ने खड़ी कर भी रखी या नहीं। अरे भाई सब देख रहे हो गाइस यार, इधर कुछ लोगों ने हमारे पास अपनी गाड़ियाँ रिपेयर करवाने के लिए भेजी हैं। ये किसी का इंजन ठीक कर रहा है और ये हमारी फरारी गाड़ी खड़ी हुई है, इसको ठीक करने में लगे हुए हैं, दो मैकेनिक्स लगे पड़े हैं इधर। ठीक है गाइस यार, मतलब अभी तक हमारी गाड़ी ये वाली हो जाएगी रिपेयर, जल्दी से बाहर निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, इधर से भी बाहर निकलने का रास्ता है। ये क्या चीज़ पड़ी हुई, अबे ट्रांसपेरेंट मतलब शीशे लगे पड़े हैं। मैंने सोचा कि अंदर भी कोई कमरा होगा इधर शायद, और ये हमारे मतलब आउटडोर कस्टमर, इधर से हम लोगों को मतलब किस्त वगैरह पर किसी को गाड़ी देनी हो तो इसके ऊपर हम लोग दे सकते हैं। ओके तो गाइस यार ये गाड़ी पता नहीं पीछे किसने खड़ी कर दी, मेरे को लग रहा है फ्रैंकली मतलब वगैरह इसके ऊपर टेस्ट ड्राइव करके आया होगा इसके ऊपर। बट देख रहे हो कितने ज़्यादा निशान लगे पड़े हैं। जल्दी से गाइस यार इसे भी अंदर खड़े करते हैं गाड़ी को, और देखते हैं हमारे पास कितने ज़्यादा कस्टमर आने वाले हैं आज के दिन। अरे साइड पे हट जा, गाड़ी में लग लग गया तो मेरे को मत बोलियो। क्या गाइस यार चलते हैं इसको भी अंदर लेकर, ये फ्रैंकलिन का काम था जो हमारे को करना पड़ रहा है। ये एक तो गेट खुलने में भी काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है गाइस। ओके गाइस यार तीसरी गाड़ी भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा के खड़ी कर देते हैं। अभी एक गाड़ी का और भी स्पेस है लेकिन कोई बात नहीं गाइस यार। ओके तो गाइस यार तीनों गाड़ी हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से इधर पार्क कर डाली हैं, और बाहर देख रहे हो सभी लोग सेल्फियाँ खींचने में मसरूफ़ लगे पड़े हैं। अब जल्दी से काउंटर के पास देखता हूँ मतलब हमारे पास कितने ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, इनसे हम लोग बात वगैरह कर लेते हैं। ओके तो गाइस यार इनसे मेरी बात हो चुकी है, ये बोल रहे हैं हमारे पास मतलब दो गाड़ियाँ अभी तक आई हैं जो इन लोगों ने अपने रिपेयर वगैरह करवाने के लिए आई थी, और पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह कर दी है, वो हमारे अकाउंट में गाइस आ चुकी है। और इधर देख रहे हो हर तरफ पीछे पीछे हमारे शोरूम की तरफ, और सभी गाड़ियाँ गाइस अभी तक खड़ी हैं और सेल्फियाँ भाई देख रहे हो कैसे ले रहे हैं हमारे एम्प्लॉय वगैरह भी, सभी लोग अपना इधर काम कर रहे हैं, सभी लोगों को मतलब गाड़ियाँ देखने के लिए लेने के लिए कन्विंस कर रहे हैं इधर सभी लोग। ओके तो गाइस जब बाइक की तरफ चल के देखता हूँ, कुछ सायरन की आवाज़ आ रही है शायद के एम्बुलेंस इधर आई पड़ी हो, जल्दी से बाइक। अरे बाप रे गाइस देख रहे हो बाहर पुलिस आ चुकी है, जिसका मुझे डर था कि पुलिस नहीं इतने देर से आई, वो देख रहे हो बाहर आ चुकी है। तो भाई साहब हमारे ऊपर एम करके रखा हुआ है इन लोगों ने, जल्दी से बात करके देखते हैं। और लेडी भी इन लोगों ने अपने साथ ही लाई पड़ी है, ये वाले ऑफिसर से बात करके पूछता हूँ, भाई एम तो हटा दे बे, गोली चल जाएगी बे। ओके तो गाइस यार इनसे मेरी बात हो चुकी है, इन लोगों ने बोला है हमारे को कि हमारे साथ पहले पुलिस स्टेशन आओ, और उसके बाद हमें FBI वाले लोगों ने बुलाया कि उनकी बात सुनो जाके। गाइस ये वही लोग हैं इलीगल पुलिस के लोग हैं जो हमारे को पिछली बार भी उठा के ले गए थे और हमारे से कुछ इलीगल काम वगैरह कराए थे। ठीक है गाइस यार मैंने इनको बोल दिया कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अपनी गाड़ी में लेकर मैं सीधा FBI लोगों के पास पहुँचता हूँ। तो ठीक है गाइस यार जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ जो अंदर फरारी उन लोगों ने ठीक कर रखी होगी, ये लोग चले जाएँगे खुद ही। ओके तो गाइस यार ठीक है अपनी गाड़ी यहाँ से लेके हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, इन लोगों ने ठीक कर ही दी होगी, पहले देख लूँ भाई पुलिस चली भी गई है यहाँ पे खड़ी है। ओके गाइस यार वो देख रहे हो पुलिस तो यहाँ से चली गई है, इन लोगों ने हमारे को बोला है कि सीधा हमारे को FBI के लोगों से मिलना है। ठीक है गाइस यार मिल लेते हैं, हमारा भी क्या जाता है। अंदर से जल्दी से उनको मैंने वर्कर लोगों को बोल दिया कि बाहर गाड़ी ला के खड़ी करो, वो अभी ला के खड़ी कर देंगे जब तक हम लोग फ्रैंकलिन को भी शायद साथ लेके चले जाएं या ना। गाइस यार पिछली बार हम लोगों इसको साथ लेके गए थे, ये हमारे ऊपर गुस्सा हो गया था कि किधर हमारे मेरे को बीच में घुसेड़ रहे हो। ऑलराइट तो गाइस यार इससे मेरी बात हो चुकी है, ये तो भाई साफ साफ मना कर रहा है कि मैंने नहीं जाना, मुझे इस लफड़े में मत घुसेड़ो। ठीक है गाइस यार मैंने भी बोल दिया कि ठीक। अरे मैं समझा गाइस यार कि हमारे पीछे ही कोई लोग आ चुके, अभी तक आया नहीं यार गाड़ी लेके, खुद ही देख लेता हूँ। ठीक है गाइस यार ये देखो बाइक लेके आ चुका, अबे पहले ही ना ठोक मत दियो, चल बाइक निकल पे भाई निकल जा गाइस यार, हमारे को यहाँ से जल्दी से निकलना है।
भाई क्या गाड़ी बना डाली है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी रिपेयर कर डाली कि गाइस यार मतलब हाथ में ना आ रही गाड़ी। ठीक है गाइस यार जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, सीधा FBI के शोरूम की तरफ, देखते हैं वो हमारे को क्या बोलते हैं। फाइनली तो गाइस यार हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं सीधा FBI के शोरूम के पास, शोरूम बोल दिया भाई इनके हेड क्वार्टर के पास। ठीक है गाइस यार देखते हैं हमारे को किस तरफ चलना है। लोकेशन तो इधर की मतलब ऊपर की आ रही है गाइस यार, मेरे कुछ लग रहा है कि शायद हमारे को ऊपर की तरफ जाना था, मैं नीचे के फ्लोर की तरफ आ गया हूँ। जल्दी से गाइस ऊपर की तरफ निकलते हैं, ऊपर को जो हाईवे जा रहा है इधर से हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मैं भाई गलती से नीचे की तरफ आ गया, शायद मेरे को लगा कि नीचे होगा, या भाई मैं गलत दोबारा फिर गलत तो नहीं जाने वाला। नहीं गाइस ऊपर की तरफ या ठीक है गाइस यार यहाँ से निकलते हैं सीधा, हम लोग देख रहे हो FIB के शोरूम के पास आ चुके हैं इधर हमारे को। ठीक है भाई ओके हो गया, ओके गाइस जल्दी से अंदर चलते हैं, देखते हैं वो हमारे से क्या बात करते हैं। भाई बिल्डिंग देख रहे हो कितनी प्यारी बना रखी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग मेरे को यही लग रही है। ठीक है गाइस हमारे को डेव के पास चलना है, देखते हैं वो हमारे से क्या बोलता है। अबे hey Michael, David. ओके गाइस ठीक है, हमारे लिए चेयर भी इन लोगों ने पहले ही छोड़ रखी थी। सॉरी गाइस दिस बर्न हंक ऑफ लव इज ऑल माइन। ब्रिलियंट Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. भाई हमारे लोग पूछते हैं, हम लोग तुम्हारे को इतने ज़्यादा फ़ोन करते रहे, तुमने उठाया क्यों? और भाई हम लोगों ने बोल दिया कि वो फ़ोन था हमारा जितना taking notes? बोलना था हमारे को ये बोल रहा है। Pure magic. They should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So. बैठने को बोल रहा है। ठीक है गाइस बैठ जाते हैं। ये गाइस डेव लग रहा है मेरे को, इसने पिछली बार हमारे को किसी को किडनैप करने को बोला था। बट यू मेड अ मिस्टेक किड्स। ओके तो गाइस यार इन लोगों से मेरी बात हो चुकी है, इन लोगों ने हमारे को यही बताया कि केल नामा बंदा है जिसको हमारे को लेके जाना है। ठीक है गाइस हमारे को जल्दी से डेव की कार में चलना है, इनसे एक बंदा ही ना किडनैप मतलब किडनैप ना हो रही है, जिसे लोकल एजेंसी लोगों ने इनको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। पहले हमारे को डेव की कार में चलना है। अब करना क्या ये नहीं गाइस, अभी तक मेरे को समझ नहीं लगा, शायद डेव के साथ हमारे को किसी जगह पर जाना होगा। पुलिस लोग भाई इनके नीचे रहते हैं, ये जो भी बोलते हैं पुलिस लोग वही करते हैं। पुलिस लोगों को इन लोगों ने भेजा था कि वो हमारे पास भेजें पुलिस स्टेशन का, तो उन लोगों ने ऐसे बहाना लगाया था हमारे को। भाई कार कौन सी है बे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कार लग रही है इसकी कार। मीटिंग पॉइंट में जाना, ठीक है गाइस यार जल्दी से मीटिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, पता नहीं हमारी क्या मीटिंग करने होने वाली है उधर। बस फ्रैंकलिन के बारे में भी इसने कुछ बोला, भाई इसकी गाड़ी लगे तो ये हमारे को ठोक डालेगा, इसलिए मेरे को थोड़ी ध्यान से इसकी गाड़ी चलानी पड़ेगी। हाईवे की तरफ चलना। ओके गाइस फ्रैंकलिन को भी इसने बुला लिया, इसने बोला कि फ्रैंकलिन को भी तुम अपने साथ लाओ। भाई FBI की गाड़ी है, आराम से चलाना। ओ भाई बच गई। गाइस फ्रैंकलिन को हमारी कॉल हो चुकी है, उसको हम लोगों ने सीधा अपने पास बुला लिया। इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगी पड़ी है, थोड़ी मेरे को धीरे से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा रोड आ चुका है इधर के, भाई भगाता लेके जाऊंगा गाड़ी। ठीक है गाइस इधर से हम लोग अब लेके जाने वाले हैं सीधा गाड़ी को अपनी मीटिंग पॉइंट पर, जिधर हमारी मीटिंग होने वाली है इन लोगों से। और गाइस यार इन लोगों ने हमारे को छोड़ दिया, तो फिर हम लोग दोबारा से अपना बिजनेस अच्छी तरह रन कर पाएंगे, जो हमारा शोरूम का बिजनेस हम लोगों ने खोल रखा है। गाइस मीटिंग पॉइंट मेरे को लग रहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं मीटिंग पॉइंट के। और बुगाती गाड़ी लेके जानी, भाई हल्की सी रेस, दो गाड़ी मतलब आसमानों से बात करती है। अबे अबे ओ बच गई गाइस यार, बच गई गाड़ी, लगने लगी थी गाड़ी, ये मेरे को ठोक डालेगा इसकी गाड़ी लग गई थी। पहले ये हमारी मतलब छोटी सी गलती थी, हम लोगों ने इतनी बड़ी भी बैंक रोबरी नहीं की थी, जिस वजह से हमारे को ये इनके इलीगल काम वगैरह करने पड़ रहे हैं। मीटिंग पॉइंट ना अभी तक आ रही है। ठीक है गाइस हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट के, और ये देख रहे हो भाई किसी इलीगल जगह पर हमारे को लेके जा रहे हैं। You better keep a low profile. पहले फ्रैंकलिन को बुला रखा है इन लोगों ने अपने पास। अबे ट्रेवर भी बुला लिया है। That cagey motherfucker, huh?
No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you! Hey, T, enough with the faux political bullshit! Franklin, come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailing. जाना किधर है ये मतलब हेलीकॉप्टर में हमारे को कुछ जाना है एक केला आदमी को हमारे को किडनैप करना है Mikey, huh? Hey listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah. And best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son. I always wanted. हम लोगों ने इसको ट्रेवर से भी मिलवा दिया क्योंकि हम लोगों ने ट्रेवर से इसको मिलवाया नहीं था I'm going to do all the heavy lifting on this guy. इसको छेड़ना मत इसको छेड़ दिया तो भाई पेड़ डालेगा ये हमारे को Franklin you're going to cover me from across the street. ये गाइस हमारे को स्क्वाड किडनैप करना ही करना केएल बंदे को कोई पेड़ डालेंगे आज बस मिल जाए हमारे को पहले हम लोग उसे ढूंढने गए थे लेकिन वो बच निकला हमारे से आज नहीं बचने वाला क्योंकि आज की हमारी मतलब प्लानिंग काफी अच्छी हो रखी है Nice to meet you homie. Yeah, whatever. The government okay, तो गाइस यार मतलब अगली सुबह हो चुका है दिन और हम लोगों ने आर्मी की भाई ड्रेस डाल ली है हेलीकॉप्टर कौन चलाएगा बे ठीक है गाइस ट्रेवर हेलीकॉप्टर चलाने वाला है हमारे को बस पीछे से कूदना है ओके भाई फ्रेंड हमारे को एजेंसी हेडक्वार्टर के ऊपर चलना है ठीक है भाई हम लोग आराम से चले जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है वह अभी रात ना हुई थी मैंने समझा कि गाइस रात हो गई है अब हम लोग कपड़े बदल के अंदर से आए थे फ्रैंकलिन शायद बाइक के ऊपर गया हमारे को मतलब इनकी सीधा मतलब रूट के ऊपर हमारे को अपना हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना अंदर देख रहे हो भाई कैसे बोल रही है मेरे को लग रहा है कि ट्रैवल पहली बार ही हेलीकॉप्टर चलाने लगा ये गाइस जल्दी से पहुंचे हैं सीधा हम लोग मतलब फेक एजेंसी लोकल एजेंसी की रूट पर ये है किधर है अबे FBI की ठीक है गाइस कौन सी ये वाली छत है ठीक है गाइस इसके ऊपर हमारे को लैंड करवाना है करवा लेंगे कोई बात नहीं हल्का सा नीचे की तरफ ठीक है भाई लैंडिंग पहले कभी करवाई नहीं ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है फ्रेंड ड्राइवर को अगर गाइस हमारे पास माइकल होता तो हम लोग आराम से करवा सकते थे लैंडिंग ठीक है लैंडिंग ओके गाइस यार लैंडिंग तो नहीं हम करने वाले हमारे को यहाँ से नीचे कूद जाना ओके गाइस ठीक है अब नीचे को हमारे को जाना है नीचे की तरफ हल्का हल्का हमारे को जाते जाना है जब हमारे को अपना फ्लोर मिल जाएगा तो हम लोग ठीक है गाइस जल्दी से निकलते हैं नीचे की तरफ वो भाई यही लग रही है मेरे को बिल्डिंग शायद भाई उनकी कुछ फाइल ही थी हमारे को जो उठा के लानी थी ये अपनी FBI के मतलब देख रहे हो भाई एजेंसी ने पहले ही इन लोगों को उठा रखा है हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे शायद उनके कुछ राज इसने के पास है ये जो उनसे अगलवाने वाले हैं इसको गाइस हमारे को छुड़ा के लेके जाना बस इनसे इसका हाथ फोड़ने लगी है ये तो बे उंगलियां तोड़ डाली बे भाई ये ऐसा बंदा जो FBI के डेव और दो तीन लोग और हैं वो करप्शन मतलब वगैरह कर रहे हैं इसलिए गाइस यार ये उनसे पूछ रही हैं कि कौन हमारे मतलब ऑफिस में है करप्ट बंदा ठीक है गाइस जल्दी से अंदर की तरफ निकलते हैं अब इसको लेके हमारे को बाहर की तरफ निकल जाना बस पकड़ने ना पाए ठीक है गाइस हमारे को फ्रैंकलिन के पास चलना है ये ओके गाइस सभी लोगों को मैंने पेड़ डाला ये एक आदमी रह गया ठीक है भाई प्लान देख रहे हो कितना बढ़िया था हमारा ठीक है गाइस एक आया था पीछे की तरफ एक और आ रहा है इसको वो खुद ही मार लेगा अबे बच गया बे इसको तो खुद ही माइकल ने मार डाला एक अभी और बचा बाकी उन लोगों को खुद ही ढूंढ लेगा वो ऊपर की तरफ शायद हमारे को जाना है अबे एक आदमी रह गया
ये गाइस इसको भी हम लोगों ने मार डाला है। ऊपर की तरफ खींच लिया गाइस, यार अभी तक ड्राइवर हमारे को ऊपर की तरफ खींच नहीं रहा। पीछे से 3-4 हेलीकॉप्टर और आ चुके हैं गाइस, यार हमारे को इन आदमियों को मारना पड़ेगा। ये गाइस, ओ भाई हेलीकॉप्टर ही गिरा डाला है। और इस तरफ है गाइस, अबे नजर ना आ रही है। ओ भाई कितनी ज्यादा दूर चले गए हैं, हमारे को ढूंढना ही पड़ेगा। ये गाइस माइकल के पास सीधा निकलते हैं हम लोग, इधर से इन लोगों को मार डालेंगे। ओके गाइस एक हेलीकॉप्टर तो मैंने फेल डाला इनका, दूसरे हेलीकॉप्टर का मैंने पायलट गिरा डाला, ये अब खुद ही मर जाएगा। अबे मरा नहीं अभी भाई, ये तो पीछे ही आ रहा, मैंने तो इनका पायलट फेल डाला था। ठीक है गाइस, यहाँ से गाइस अब हमारे को जल्दी से निकलते हैं। भाई बचा लिया गाइस, यार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, रात के वक्त हमारे को ये रोबरी करनी थी और हम लोगों ने ये रात के वक्त ही किया। ठीक है गाइस, हम लोग अब चलाते हैं अपना हेलीकॉप्टर और सीधा लेके निकलते हैं उसको FBI के पास, और फिर हम लोग गाइस यार छूट जाएंगे और अपना दोबारा से बिजनेस करेंगे। शायद इसके बदले वो हमारे को कुछ पैसे भी देने वाले हैं। अबे सेव में भाई, सेव ना किया इन लोगों ने, ये तुझे पेड़ डालेंगे। गाइस इधर हमारे को अपनी हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना, वो सामने हमारे मतलब लैंडिंग पॉइंट रहा। भाई तीन हेलीकॉप्टर आ गए थे FBI के लोगों के, भाई करप्ट लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है गाइस इधर हमारे को लैंड करवाना, वो पहले ही कुछ लोग आए बैठे हुए हैं, इसलिए गाइस यार वो हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि उनके भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे पड़े हैं। मैं नीचे आ रहा हूँ। गाइस इधर हमारे को लैंड करवाना था अपना हेलीकॉप्टर। ठीक है गाइस ये FBI के लोगों के पास हम लोगों ने भेज दिया है, और इसका फेस इन लोगों ने छुपा लिया। ओके गाइस ड्राइवर से हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हमारे पास जो इससे झगड़े हुए थे वो गाइस हमारे मतलब क्लियर हो गए हैं आज के मिशन की तरफ। ये हेलीकॉप्टर था किसका भाई, उन लोगों ने हमारे तीनों फ्रेंड को इकट्ठा किया था क्योंकि वो देख जानते हैं कि हम तीनों लोग इस बड़ी सी रोबरी को, मैं रोबरी तो मैं बाद में बोलूँगा, ये किडनैपिंग हम तीनों ही कर सकते हैं। और भाई उनके खुद उन लोगों ने इसलिए नहीं कि गाइस अगर वो खुद करने जाते तो उनके FBI वाले लोग उनको देख लेते, उनको पेड़ डालते। ये मेरे को लग रहा कि शायद ड्राइवर का हेलीकॉप्टर था भाई, हमारे पास छोटी कोड़ी ना है और इसके पास देख रहे हो भाई हेलीकॉप्टर लेके जा रही है। इसके पास गाइस काफ़ी ज़्यादा पैसा, हम और फ्रैंकलिन दोनों मतलब एक जैसे ही हैं, वो सामने हमारी फरारी खड़ी है। ठीक है गाइस यार आज की वीडियो ये पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।